तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस बहुत जल्दी आने वाला है, 26 जनवरी। आशा करती हूँ आप सभी एक संकल्प लें अपने देश के लिए। अपने देश के सभी जवानों को मेरी तरफ से मैं सलाम करती हूँ और एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि अपने भारत को स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें। श्याम जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबको मेरी तरफ से 26 जनवरी की पूरी पूरी बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग जो आज अभियान जो चल रही है उसे आप स्वच्छ भारत रखिए, और जो नोटबंदी एक तरह से बंद हो चुकी है उसमें पूरा देश जो है एटीएम के ऊपर लाइन लगाते हैं, और मैं भी लगाता हूँ भाई, मुझे भी कभी कभी। पर हमारे देश की ये भविष्य के लिए ये सब कुछ परिवर्तन आया है, तो हम सब साथ हैं। जी, हम लोग साथ हैं इसमें, क्योंकि जो आज हो रही है भ्रष्ट जो नोट है, भ्रष्टाचार है, बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, तो आई एम हैप्पी। जी, मैं भी, हम भी खुश हैं, और आशा करते हैं कि आप सब भी बहुत खुश होंगे। हाँ, और 26 जनवरी में जो भी हमारे जो देश पर जो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, हमारे सेना, हमारे बॉर्डर पर जो भी जवान शहीद होते हैं, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे फादर साहब भी इंडियन एयरफोर्स में हैं, ऑफिसर हैं, और कारगिल के जब लड़ाई हुई थी तब उस वक्त वो भी थे उस लड़ाई में, तो मैंने इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। तो मैं तहे दिल से उन सभी जवानों को मैं सलाम करती हूँ, और उनके घर वालों के लिए हमेशा दुआएं करती हूँ कि उन्होंने बहुत योगदान दिया है अपने देश के लिए, भारत के लिए। हर उस माँ को मैं प्रणाम करती हूँ जिसने अपनी गोद से वो अपना बच्चा निकाल कर भारत माता को समर्पित किया है। मैंने बहुत बार उन पलों को बहुत करीब से देखा है कि जब मेरे फादर साहब लड़ाई पे थे, या कश्मीर में जब बॉर्डर पे जब फायरिंग होती थी उस वक्त उन्होंने भी फेस की है उस वक्त को। तो बस अंत में ये कहना चाहूँगी, गणतंत्र दिवस पे हम सबकी तरफ से, दूल्हा चोर की टीम की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कल्पना जी, कि जब भी जो भी हमारे देश के बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं और उनके परिवार की जो हालत होती है, आप समझ ही सकते हैं कितनी कैसी हालत होती है। हम सब मिलकर अपने भारत को ऐसे सुदृढ़ बनाएं, समृद्ध बनाएं, ताकि हम सब भारत के नागरिक हैं, और जो पहल हो रही है, चाहे वो सेना की तरफ से है या फिर हमारे जो फिल्म है वो भी एक काफ़ी बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं उसे हम, कि बहुत बड़ी एक हमारी जो फिल्म है एक तरह से परिचायक है। हाँ। ये परिचय देती है कि हम कैसे फिल्मों के माध्यम से भी हम सेना को हमेशा हमारे शहीदों को डिवोट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और उसके बाद फिर हम फिल्म के माध्यम से उन्हें हर तरीके से जनता को जगाते हैं। तो हम चाहेंगे कि दुल्हा चोर की टीम की तरफ से आप हमेशा ऐसे ही 26 जनवरी का जो तिरंगा है उसे हमेशा अपना शान बना के रखिए। जय भारत, जय हिंद। कुमार घनश्याम का प्रणाम। जय